ये फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स हैं जिसमें ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेन टॉपिक है। पहले इस चैप्टर में से जो मेन इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ है वो है ये हमारे पास जून सा है। इस चैप्टर में से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला, और नेक्स्ट ये वाला केमिकल सिग्निंग है बिटवीन सेल्स, ये वाले सारे टॉपिक, ये पूरा कंप्लीट। आगे नेक्स्ट चैप्टर जून सा है कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट, इसमें से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म के कोलिनर्जिक जून से एगोनिस्ट हैं उनको किस तरह वो मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में अगर करना है तो ये वाली डायग्राम बेस्ट है, ये पूरी डायग्राम। नेक्स्ट जोन सा ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनका, इसमें डिफरेंस बिटवीन आता है मस्क्रेनिक का और निकोटिनिक का, उसमें हमें एक एग्जांपल देनी पड़ती है। नेक्स्ट जोन सा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक है, इसमें इनका बताना है कि ये किस तरह डायरेक्ट एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसमें मेन जोन सा ये बिथैनिकोल है। और नेक्स्ट जोन सा है ये पिलोकार्पिन, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिलोकार्पिन, में ये जोन से इसके ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, और ये इधर जीरोस्टोमिया और एक सिंड्रोम का नेम लिखा है ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जोन सा है ये रिवर्सिबल बताया है, ये एक जिसमें एड्रोफोनियम और फाइसोस्टिग्मीन है, ये रिवर्सिबल एक्शन परफॉर्म करता है, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी कभी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट जोन सा है इसमें जोन सा आएगा, ये डिफरेंस आएगा नियोस्टिग्मीन का और फाइसोस्टिग्मीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जोन सा ये जो नियोस्टिग्मीन है ये बोर्ड में आया हुआ है, और इसमें ये एक सिम्टम्स भी लिखा है कि इसका थेरेपेटिक यूज़ है, क्योंकि किसकी मैनेजमेंट के लिए मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये मेस्थीनिया ग्रेविस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आगे ये वाला बताया इनडायरेक्ट जोन सा इरिवर्सिबल है, हमने पहले रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल है, इसमें यह इकोथियोफेट ये एक ड्रग है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ये जोन सा बॉक्स है ये पूरे वाला, ये एमसीक्यूज के लिए कर लिया जाए, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट जोन सा एंटेगोनिस्ट की बात हुई है, एंटेगोनिस्ट में सबसे पहले आ जाता है ये एंटी मस्क्रीनिक, वो एगोनिस्ट थे, ये एंटेगोनिस्ट उसके अपोजिट एक्शन करने वाले, उसमें जो सा मेन है ये एट्रोपाइन है, और एट्रोपाइन के जो एक्शन है ना वो मेन इंपॉर्टेंट है, आई में क्या एक्शन है, जीआईटी में, सीवीएस में, सेक्रीशन में, और इसके यूजेज, ये दोनों एक्शन और यूजेज एट्रोपाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो उनसे है ये इसके नाम करने हैं, एट्रोपाइन जो से हमने पढ़ा ना कि मस्क्रीनिंग एंटी मस्क्रीनिंग एजेंट, इसके ये वाले सारे नाम इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ पढ़ लिया जाए। नेक्स्ट जो उनसा है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बताए हुए हैं, इनको हम मसल रिलैक्सेंट भी कहते हैं, मसल रिलैक्सेंट के नेम से भी आता है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के नेम से भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो से ऊपर नेम लिखे ना इनके नेम से भी ड्रग्स का पूछा जाता है कि गैंग्लोनिक ब्लॉकर क्या, तो एक ही है निकोटीन। नेक्स्ट जो से हम उसमें ये फार्माकोकाइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके क्या नाम है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स जो से कम्पिटेटिव ब्लॉकर्स है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो ब्लॉकिंग के लिए, उसमें ये फार्माकोकाइनेटिक्स उसके बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो सा है ये डिपोलराइजिंग है, वो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है, ये डिफरेंस भी आ जाता है, साथ एग्जांपल और उसका एक्शन और यूज़ भी लिखना है, यूज़ तो पहले उसके नेम में बताया डिपोलराइजिंग है। नेक्स्ट जोन सा है इसके आ जाता है कि इसका साइड इफेक्ट है इंपॉर्टेंट, हाइपरथर्मिया, एपनिया, जो मसल रिलैक्सेंट है ना उसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरथर्मिया हो जाता है, एपनिया और हाइपरकलीमिया, ये तीन इंपॉर्टेंट है इसके। ये नहीं होता कि ड्रग का सारा कुछ लिखना होता है, ड्रग के कभी एक्शन आते हैं, यूजेज आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट जोन सा हम ये बताए हुए हैं। अगर हमारे पास जोन से आते हैं एडीनर्जिक एगोनिस्ट, इसका जो मेन है इसका भी जैसे पहले वो न्यूरॉन का एक्शन है कि न्यूरोमस्कुलर क्या एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये सारा अंदर से करना जरूरी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और अल्फा और बीटा जोन से रिसेप्टर है उनका डिफरेंस टोटल जो अल्फा ए अल्फा टू है ये वाला लिखा हुआ है, ये इसके रिसेप्टर ये बॉक्स पूरा कर लिया जाए तो ये सारा करना जरूरी नहीं है। बाकी जोन सा नेक्स्ट इसका आता है ये डायरेक्ट एजेंट और कैटिकोलामाइंस बी का भी डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कैटिकोलामाइंस और नॉन कैटिकोलामाइंस, ये दोनों का डिफरेंस आता है और इनका एक्शन बी आता है। और मिक्स का ये मिक्स्ड एक्शन एगोनिस्ट, अगर जो डायरेक्ट एक्शन वाले हैं उसमें ये बताया हुआ है कि एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन का सब जोन से नेम ये हमारे पहले ये मतलब फिजियोलॉजी में यूज है ना, जैसे एपिनेफ्रीन है तो एपिनेफ्रीन इस तरह नहीं आएगा, इसका आएगा कि यूजेज पूछ लिए जाएंगे, जैसे एक्शन सीबीएस में क्या है, सारे ये एक्शंस और यूजेज आ जाते हैं इसके। नेक्स्ट जोन सा ना जोन सा बताया हुआ वो ये नॉन एपिनेफ्रीन के भी एक्शन और यूजेज मेन है, और जो ड्रग करने वाली है वो दो इसमें मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है डोपामाइन और डोब्यूटामाइन, ये दोनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें ये बताया हुआ कि ये आईवी के लिए यूज होता है, आईवी मतलब इंटावेनस इंजेक्शन के जरिए देते हैं, ये जनरल फार्माकोलॉजी में लिखा होता है कि किस किस तरह से हम डोज मतलब इंजेक्ट कर सकते हैं, वो मस्कुलर भी है क्यूटेनियस भी है, वो डिफरेंट उन्होंने बताए हुए हैं। नेक्स्ट जोन सा है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एलब्यूटीरोल, मेटाप्रोल प्रोटीनोल और टर्ब्यूटालीन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें जोन सा ना ये इनडायरेक्ट में मेन इंपॉर्टेंट जोन सा है ये एम्फेटामाइन, ये इसका पूरा एक्शन हमने करना है ये वाला जो इतना बताया हुआ है। और नेक्स्ट जोन सा इसके साथ आ जाता है ये वाला मिक्स्ड एक्शन एडीनर्जिक एगोनिस्ट, वो ये है एफिड्रीन, इसका भी एक्शन और यूजेज, यूज तो ऊपर लिखा हुआ है कि मिक्स्ड है इसका एक्शन, इसके यूजेज और साइड इफेक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जोन सा चैप्टर है वो सीएनएस का आता है एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट में सबसे पहले जो से ब्लॉकिंग एजेंट है ना उनके एक्शंस और यूजेस करने ज़रूरी होते हैं, एक्शन और ये आगे आ गया इसका, ये सारे यूज़ इसके ये दोनों और साइड इफेक्ट भी बताए हैं।
सात जून से इसमें जो सी ड्रग मेन इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली, फेनटोलामाइन और ये वाली फेनऑक्सीबेंजामाइन, ये वाली दोनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट है करने के लिए। नेक्स्ट जून सा है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग, उसमें ये ड्रग्स के जो नेम है ना ये सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव की डिफरेंस भी कभी आ जाता है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटेगोनिस्ट है ना उसके ये एक्शंस और साथ उसके ये सारे यूजेज, ये आया भी हुआ है यूजेज इसके पूछे हुए हैं। यूजेज में ये हाइपरटेंशन, एंजाइना, MI, माइग्रेन और ये क्या नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर साइड इफेक्ट्स भी सारे इंपॉर्टेंट हैं वो ना कर सके तो ये वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कुछ ही कवर हो जाता है शॉर्ट वाइज, पर जब अगर लॉन्ग है तो फिर हमें सारा ही करना पड़ता है, शॉर्ट के लिए इतना भी काफ़ी होता है। नेक्स्ट जोन सा बता रहे हैं इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट ड्रग अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीजिंग और अपटेक, तो ये रेजरपाइन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका एक्शन और यूज तो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो एक्शन करना इंपॉर्टेंट है। आगे ये वाले रिसेप्टर्स, ये बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे ही कवर हो जाना, पर जो उनसे थेरापेटिक यूजेज है ना ये वाले शॉर्ट फॉर्म में बताए हुए हैं कि बीटा के और ये अल्फा के बताए हुए हैं, ये सारे शॉर्ट में इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट जो सा चैप्टर है वो है ये 8 वाला, अगर हमारा ये GIT का और एंटी इमेटिक ड्रग्स का चैप्टर स्टार्ट है, इसमें जो सा मेन इंपॉर्टेंट है ना वो हमारे पास आ जाता है ड्रग्स के एक्शन रिफ्लक्स से, जिसे कहते हैं GERD, ये इसकी कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, GERD के नाम से आ जाती है, GERD GERD आता है ना, उसमें जो सी मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना ये वाली करनी है, H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट और उसका मैकेनिज्म मतलब एक्शन और यूजेज उसके सारे करने, तो यूजेज इसके आए भी हुए हैं जिसमें पेप्टिक अल्सर और स्ट्रेस अल्सर और ये GERD के लिए किस किस के लिए यूज़ करते हैं, इसका जो सा ये मेन टॉपिक जो सा ना इसका आता है वो ये वाला आता है, बाकी ये रीड कर लेना चाहिए ताकि अगर कोई कभी आ जाए तो थोड़ा बहुत बंदे को पता होना चाहिए ना लिखने के लिए, बाकी जो मेन है वो H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है और प्रोटोन पंप इनहिबिटर के नाम से भी आता है PIPs, ये वाला टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है जिसमें ये लिखा भी हुआ है PIPs बाइंड टू द हाइड्रोजन और पोटाशियम ATPase एंजाइम, ये वाला एक्शन और इसकी ड्रग्स के अंदर मतलब ड्रग्स के नेम एक जैसे हैं, ये जो लिखा हुआ है जैसे ओमेप्राजोल हम वैसे सिंपल यूज़ करते हैं या अगर सेम नेम एक जैसे इतने ज़्यादा, बाकी एक्शन भी उनके सेम है और यूजेज भी सेम है, फार्माकोकाइनेटिक्स भी, और ज़्यादा जो सा ये एडवर्स इफेक्ट है वो इसका ज़रूर करना कि किस मतलब ज़्यादा लेने से कौन सी चीज़ ये एंजाइम एक है उसका बताया कि वो वाला इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट जो सा है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एंटासिड्स है जिसे एसिडिटी डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा उसके आते हैं केमिस्ट्री मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसके थेरापेटिक यूजेज है, और जो मेन है ना ये दोनों नेम कर लेने चाहिए। नेक्स्ट जो सा ये ड्रग्स टू कंट्रोल कीमोथेरेपी के मतलब कीमोथेरेपी की वजह से अगर जो बंदा कीमोथेरेपी करवाता है तो उसका नोजिया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके एक्शन में कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये पहले एक्शन लिखा हुआ है कि कीमोथेरेपी से नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट कैसे होती है, ये पहले उसका एक्शन है, वैसे ये ज़्यादा इतना एक्शन कभी आया नहीं मतलब ये आता है उसका ड्रग्स के जो एजेंट है ना वो आते हैं ज़्यादा उसमें, उसको जो सी क्या नाम है वॉमिटिंग और नोजिया के अंगेंस्ट जो ड्रग देते हैं उनको कहते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स, उसमें उसका एक्शन हो गया और साथ उसके नेम हो गए, ये साथ उसके नेम्स ड्रग के लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा उनका एक्शन है, इसकी समरी बना के भी बंदा कर सकता है, समरी में ये है कि खुद बंदे को नोट्स बना लेने चाहिए, बाकी बुक पे एक दो बार पढ़ने से भी थोड़ा बहुत आ जाता है। अगर एंटी डायरल ड्रग्स हैं उसमें डिफरेंस कभी आ जाता है कि कोई 3 टाइप्स हैं ये इसकी बताइए, एंटी मोटिलिटिक और एड्सॉर्बेंट और ये वाले, तो अंदर आपको नेम पता होना चाहिए, तो जो मेन है ना वो ये वाले आते हैं और जो से ठीक हो गया ये वाले आते हैं, ये वाला ये शॉर्ट इसका फॉर्म लिखा है, ये समरी है, समरी भी पढ़ने पर समरी में ये है कि सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, ड्रग्स की कोई एक्सप्लेन नहीं है, बाकी जो ड्रग्स का एक्शन है ना वो ये ऊपर लाइन में लिखा है, उसके क्या नाम है ड्रग्स की डिवीजन की है कि ये एक्शन के लिए, ये एक्शन उनका ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसके लिए यूज़ कर रहे हैं एंटी मोटिलिटिक ड्रग होगी जो। नेक्स्ट जो सा लेक्सेटिव है, लेक्सेटिव इतने आए तो नहीं है वैसे बोर्ड में, तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कर लेना चाहिए, तो उसके लिए जो लेक्सेटिव है ना उसमें ये वाला बहुत अच्छा, ये IBS जो सिंड्रोम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये इंपॉर्टेंट है, उसका ये पूरा क्या नाम है अगर टेबल याद कर ले जाए जिसमें इंडिकेशन है जिसमें मतलब किस लिए हमने यूज़ करना है उसका एक्शन और एडवर्स है, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है IBS का। नेक्स्ट जोन सा है इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये ड्रग्स के नेम बताए हुए हैं, ये वैसे ही इतनी तो ड्रग्स हमने पेपर के अंदर लिखनी नहीं होती है। नेक्स्ट जोन सा हमारे पास तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, तो GIT में इंपॉर्टेंट जोन सा था ना IBS मतलब लेक्सेटिव्स अगर आएगा ना तो उसकी एक्शन लिखेंगे, और कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स ये बताए हैं जिसमें सीना मक्की को कहते हैं कैस्टर ऑयल हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक हर्बल है जो मेडिसिन है वो मेडिसिन इसकी आगे ये बताई हुई है, ये सारी हर्बल इन्होंने बताई हैं जो मेडिसिन है ना वो यूज़ इरिटेबल बाउल में इन्होंने ज़्यादा बताई हुई हैं, बाकी ये भी चैप्टर कम्प्लीट हो गया।